हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम लोग एक नई जगह की तरफ जाने वाले हैं, लेकिन कहाँ जाने वाले हैं तो इस वीडियो में आपको मैं बकायदा सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चलो, आज मैं आपको इंडिया से बाहर लेके जा रहा हूँ, वो सऊदी अरेबिया में, और उस जगह का नाम है इथरा। इथरा यानी कि किंग अब्दुल अजीज सेंटर फॉर वर्ल्ड कल्चर। हालांकि यह बिल्डिंग एक्चुअली सऊदी अरेबिया में दमाम एक जगह ही वहाँ पे है, और उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो एक के ऊपर एक पत्थर रखे हुए हैं, ऐसे आपको प्रतीत होगा। तो यानी कि यह वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है। आप सभी से दरख्वास्त है, आप देखते रहिए कंटिन्यूसली, आपको अच्छी तरह से पूरी जानकारी देने की कोशिश मैं करूँगा। तो हम अभी मेरे घर से निकले हैं और मेरे साथ है मेरे दोस्त मिस्टर अलीम जी। मेरे घर से इथरा की दूरी तकरीबन 16-17 किलोमीटर है, और जाते जाते रास्ते के नज़ारे आपको दिखाता जाऊंगा। तो चले मिलते हैं इथरा बिल्डिंग के पास। आधे घंटे की ड्राइविंग करने के बाद आखिर में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। गाड़ी पार्किंग में पार्क करी है और आपको सामने दिख रहा है वो जो बिल्डिंग इथरा, और यहाँ से हमें पैदल चलना पड़ेगा एंट्री गेट तक। पहले तो सिक्योरिटी चेक्स हो गए और उसके बाद ही में ही आपको एंट्री मिलेगी। तो जैसे कि दिख रहा है मैं अंदर बिल्डिंग के अंदर आ गया हूँ, और बाकी का नज़ारा आपको थोड़ी देर में आपके साथ में शेयर करूंगा।
वैसे तो इस बिल्डिंग में आप बहुत सारी चीज़ें फ्री में देख सकते हो, जिसको बोलते फ्री एंट्री। बट उसके अलावा अगर आपको म्यूज़ियम या थिएटर में जाना है तो बकायदा आपको टिकट्स निकालने होंगे। म्यूज़ियम का टिकट जो है 35 रियाल पर पर्सन है, और थिएटर्स का उसके हिसाब से डिपेंडेंट है। तो लाइन में खड़े रह के मैंने टिकट निकाली है, हम दोनों के लिए टिकट्स मिले हैं, और अभी हम लोगों ने म्यूज़ियम में एंट्री करी। आप देख सकते हैं पुराने ज़माने के टिकट्स सेट वहाँ पे रखे हुए हैं, और टेक्नोलॉजी का कैसे इम्प्रूवमेंट हो गया उसका जीता जागता उदाहरण उन्होंने स्क्रीन के माध्यम से यहाँ पे डिस्प्ले किया गया। जैसे हम लोग उस दालन में पहुँचते हैं तो हमें देखने को मिला कि दुनिया भर के जितने भी फेमस मॉस्क्स हैं उसके मॉडल प्रतिरूप उन्होंने रखे हुए, जिसमें अपने इंडिया का भी एक मॉस्क यहाँ पे दिखाई दिया, और हर चीज़ की जानकारी उन्होंने कंप्यूटराइज की है, वहाँ पे स्क्रीन लगाई है, वहाँ से आपको अरबी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए जो कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको वहाँ पे आपके फिंगर टिप पे क्लिक करके आपको मिल सकती है। बैठ के वो फुटबॉल देखते हैं इसके अंदर स्पॉट लाइक ये अफगानिस्तान से ये ड्राफ टाइप का होता है मस्जिद के अंदर लगता है, डिफरेंट काइंड ऑफ होते हैं हर एक मस्जिद।
अब हम लोग अगले सेक्शन में आ गए हैं जहां आपको अरेबियन जर्नी देखने को मिलेगी, जिसमें पुराने ज़माने के बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, फिशिंग इक्विपमेंट्स, वेरियस क्लॉथ्स एंड कारपेट्स, प्राणी और पंछी, उनके मॉडल्स, ये सारे आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा इस दालन की सुंदरता बढ़ाने के लिए उन्होंने पूरे दीवार और छतों पर LED स्क्रीन लगाई है। आप देख सकते हो कि नेचर का नज़ारा उन्होंने पुराने ज़माने का कैसा रहेगा, कैसी स्थिति रहेगी, ये इमेजिन करके उन्होंने स्क्रीन को आपको दिखाने की कोशिश करी है। जो भी प्राणी और पंछी और फिश या स्नेक, जितने भी ये प्राणी थे, उनका मॉडल स्वरूप चीज़ें यहाँ पे उन्होंने रखी है, तो आपको मैं पूरा का पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देखते रहिए। तो इत्रा में स्टोर्स भी हैं जहाँ पे आपको कुछ मॉडल खरीदने हैं या बाकी सारी चीज़ें जो एशियन टाइम के आपको अगर खरीदनी है तो वो भी अवेलेबल है। तो जो मन चाहे चीज़ आपको यहाँ पे खरीदनी है तो आपके पास ऑप्शन है और आप खरीद सकते हो। तो लास्टली हम लोग पहुँचे एनर्जी एग्जिबिट सेंटर में, जहाँ पे छोटा सा एक फाउंटेन भी है और आप देख सकते हैं कि बेहतरीन तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए डिस्प्ले के माध्यम से वहाँ पे एनर्जी एग्जिबिट का एक प्रदर्शनी जैसा एक मॉडल उन्होंने बनाया है। जो ऑयल सऊदी अरब का मेन प्रोडक्ट है वो कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो जो DCS सिस्टम और अंदर से प्लांट कैसे दिखता है, उसी का एक प्रतिरूप उन्होंने बनाया। जो देखते टाइम हमें प्राउड फील पता होता है, बच्चे रहेंगे या न्यू एम्प्लॉय रहेंगे तो उनके लिए एक लर्निंग लेसन है, उनके लिए अच्छा एक्सपोजर मिलेगा कि बकायदा उसका प्रोसीजर कैसे होता है, कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे ड्रिंक मारते हैं। तो ये सारी चीज़ों का एक मॉडल के तरफ फिल्म के प्रतिरूप यहाँ उन्होंने बना के रखा है। तो ऑयल गैस की जर्नी कैसी हो गई, इसके बारे में भी उन्होंने डिस्प्ले के माध्यम से हमें जानकारी साझा की।
तो इथरा की सबसे बड़ी और अच्छी देखने लायक चीज़ जो है, जो बिल्डिंग के ऊपर होने वाला लेज़र शो प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम हमेशा चेंज होते रहता है। तो मेनली ये लेज़र शो और देखने के लिए ईद का फंक्शन रहा, तो उस टाइम पे अच्छे तरह से अरेबियन जर्नी का पूरा ब्यौरा लेज़र के माध्यम से यहाँ पे दिखाया जाता है। आप देख सकते हैं कि मैंने छोटा सा वीडियो डालने की कोशिश करी है कि जो का आपको पता चल गया। और सबसे बेहतरीन चीज़ द क्वालिटी ऑफ लेज़र शो, आप देख सकते हैं एक जैसे कि लग रहा है कि LED TV के ऊपर हम लोग ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा लेज़र शो उसी बिल्डिंग के ऊपर होता है और दूर से भी आप क्लियरली देख सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ इथरा के बारे में पूरी जानकारी आपसे मैंने पूरी साझा की है। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड एंड फैमिली। थैंक यू।